हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दुआ करती हूँ सब अच्छे ही हों और बहुत ही अच्छा हो सबके साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है अडेनियम के प्लांट्स। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे है, अडेनियम प्लांट के ऊपर। तो आने वाला विंटर सीजन जो है, ये इसके लिए डोरमेंसी होता है, पर डोरमेंसी के पहले हम अक्टूबर नवंबर तक इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आगे नवंबर के मिड में या नवंबर के मिड के बाद से इसका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट होता है। तो तब इसमें ये नेचुरल है, प्रोसेस है, ये खुद ब खुद प्लांट अपना डोरमेंट में चला जाएगा और हम इससे फ्लावरिंग नहीं ले सकेंगे। तो इसी पे आज मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप देख सकते हो इसका कॉडेक्स, मैंने इसे पूरा मौसम बाहर रखा है, इवन बारिश में भी ये मेरा बाहर रहा है। पर लोग कहते हैं कि बारिश में रखने से इसका कॉडेक्स ख़राब हो जाता है, गल जाता है, रूट रॉट हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आपको 15 से 20 दिन पीछे ले चलती हूँ, जब ये मानसून में था। चलिए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो पिक मैं दिखा रही हूँ क्लिक, ये अभी मतलब लास्ट 15 से 20 दिन पीछे का है, मानसून जब था हमारे यहाँ, बारिश खूब तेज़ हो रही थी, तब का है ये पिक। और ये पूरा मानसून, पूरा का पूरा मानसून, इवन 3-4 महीना ये इसी तरह बारिश में रहा। और देखिए, मैं इससे पहले भी आपको दिखाई कि इसका ऑर्डिक्स अभी कैसा है और ये पहले कैसा था। तो इसका मेन रीज़न होता है कि हमें इस सॉइल, इसका जो सॉइल हम बनाते हैं, इसे हम कैसे तैयार करते हैं। तो मेन इसका मीडिया होना चाहिए, जो जिस पे इसको हम लगाते हैं वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसे कौन सा सॉइल पसंद है जिसमें ये आराम से पूरा साल चल सकता है और इसे कोई भी ख़तरा नहीं होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे कौन सा सॉइल पसंद है। तो इसका नाम क्या है, अडेनियम। इसे आप जानते हैं डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है। तो डेजर्ट से ही समझ में आता है कि इसे सैंडी सॉइल पसंद है। तो इसके पॉटिंग मिक्स को भी हम सैंडी ही बनाएंगे, इसे सैंडी सॉइल ही पसंद होता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 80% सैंड और 20% कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे काउडंग कंपोस्ट हो, चाहे लीव कंपोस्ट हो, जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हो। बस इसे आपके पॉट के साइज़ के हिसाब से 80% सैंड दीजिएगा और 20% कंपोस्ट दीजिएगा, और साथ में 1 चम्मच बोन मील और 1 चम्मच नीम खली देकर आप इसका पॉटिंग मिक्स रेडी कर सकते हो और इसको पॉट में लगा सकते हो। ये छोटे से छोटे पॉट में भी आराम से लग जाता है। तो ये हो गया इसके सॉइल के बारे में। बात कर लेते हैं इस पर इंसेक्ट अटैक क्या होता है। तो इंसेक्ट इस पर कुछ खास ज़्यादा मैंने मेरे गार्डन में तो मैंने देखा नहीं। वैसे मैं जब भी वीकली अपने गार्डन में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करती हूँ तो इसके ऊपर भी कर देती हूँ। तो रेगुलरली वीकली इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता रहता है। तो आज तक मेरे इन अडेनियम फ्लावर में, प्लांट में, कभी भी कोई इंसेक्ट अटैक नहीं हुआ है। पर हाँ, फंगिसाइड इस पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो बिना रिस्क लिए 15 दिन में 20 दिन में एक बार आप इसमें फंगिसाइड स्प्रे ज़रूर करें, ताकि इसमें कोई फंगस अटैक ना हो। ये बहुत जल्दी इसमें फंगस अटैक होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र। तो इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद नहीं है, ज़्यादा इसे ज़रूरत भी नहीं फर्टिलाइज़र की। आप इसे 15 से 20 दिन में एक बार बैलेंस एनपीके दे दें या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र दे दें, इसके लिए मोर देन इनफ है। हाँ, पर इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत पसंद है। बाकी प्लांट की तरह जब मैं अपने गार्डन में बाकी प्लांट को डालती हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो मैं इसके भी स्प्रे कर देती हूँ। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके प्रोपागेशन का। प्रोपागेशन में ये स्टेम कटिंग से आराम से ग्रो होता है, प्लस इसमें सीड पॉट बनता है। ये जो वैरायटी है इस पे सीड पॉट बनता है। और बाकी जो रोजी डेजर्ट रोज़ है, ये मेरा रोजी है, ये रोजी है, और ये छोटे छोटे मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, ये रोजी है, ये सब ये जो छोटे गमले में मैंने लगाया है, ये सब रोजी
अडेनियम है, तो इस पर सीड पॉट नहीं बनते हैं, इसको आप स्टेम कटिंग से ही लगाएंगे और उसको प्रोपागेट करेंगे। और ये वाला जो वैरायटी है इस पर सीड पॉट बनता है, ये फ्लावर ख़त्म होने के बाद यहीं पे सीड पॉट बनता है, इधर से दो सींग की तरह निकलता है, इधर एक दो ऐसे इसका सीड पॉट आता है। और ये जब मच्योर हो जाता है तो आपको इसे सूता से या रस्सी से बांध के रखना पड़ता है, अगर आप नहीं बांधेंगे तो ये कॉटन की तरह बिखर जाएगा, उड़ जाएगा सारा। तो ये वैरायटी में सीड पॉट बनता है, रोजी अर्डेनियम में सीड पॉट नहीं बनता है। तो रेनी सीजन के बाद आप अभी जो है इसके लीव्स येलो होंगे, येलो होकर गिरेंगे, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा। बाकी हम अभी इस पर फ्लावरिंग लाने के लिए हम अभी इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप चाहे इसमें NPK 19-19-19 बैलेंस NPK 18-18 या 20-20-20 इसको दे सकते हो, या फिर आप 52-34 दे सकते हो, और साथ में अगर लीफ चाहिए तो आपको 13-0-45 भी दे सकते हो, 15 दिन या 20 दिन में एक बार। इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं है, कम फर्टिलाइज़र में ये आराम से चलता है। इसका जो कॉडेक्स है, कॉडेक्स में ये अपना सारा चीज़, सारा फर्टिलाइज़र स्टोर करके रखता है, और पानी भी इसे कम चाहिए होता है। तो पानी तभी दें जब इसका सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो जाए, सूख जाए। इसे आप पानी नहीं भी देंगे तो आराम से ये 1 से 1.5 हफ्ता तक ये बिना पानी का रह सकता है। जब इसे पानी का ज़रूरत होगा तो ये प्लांट खुद बताएगा कि मुझे पानी चाहिए। वो कैसे आपको इंडिकेट करेगा, ये जो इसका कोटेक्स है ये सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ के ऐसे स्क्वीज हो जाएगा, तब सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा, तब आप समझेंगे कि इसको पानी चाहिए, ये प्लांट पानी मांग रहा है। तो आप पानी दे दीजिए, पानी देने के बाद ये फिर से हार्ड हो जाएगा और इसी तरह फूल के आपको बता देगा कि हाँ मैंने पानी पी लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़रूर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे याद दिलाना नहीं चाहिए, पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आगे भी आने वाले मेरे और भी प्लांट्स के वीडियोस और दूसरे कोई वीडियो कुकिंग से रिलेटेड, प्लांट्स से रिलेटेड आपको टाइम पे मिल सके। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अब बात रह जाती है इसकी रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग के लिए इसका बेस्ट टाइम होता है जनवरी। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में आप इसको रिपोर्ट करें, रूट प्रून करें, ब्रांच प्रून करें, स्टेम प्रून करें, कटिंग करें, ट्रिमिंग करें, वो उसका फेवरेबल टाइम होता है, तब इसको आप फिर से आने वाले सीज़न के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे कि समर सीज़न इसका फ्लावरिंग सीज़न होता है, तो मार्च से आप अगर जनवरी में इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसका रूट प्रूनिंग, इसका प्रूनिंग और रिपोर्टिंग, तो आप मार्च तक का आपको इसमें बेस्ट ग्रोथ भी मिल जाएगा और बेस्ट फ्लावरिंग भी मिलेगा। और चाहे तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो, वैसे ये इजी ग्रोइंग प्लांट है, आप जब भी इसको लगाओ ये आसानी से ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश की हूँ कि इसके बारे में आपको सब कुछ बता सकूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। See you, bye bye, happy gardening, Allah Hafiz.